शांति चौदह जुलाई बाबा आज याद दिला रहे और हंसी भी कर रहे हैं कि विश्व में शांति स्थापित करने वाला तो एक मैं हूं यानी निराकार शिव बाबा लोग पीस प्राइज देते रहते हैं जो शांति की राय देते हैं पर शांति सारे विश्व में तो होती नहीं वो तो केवल एक मेरा काम है तो पीस प्राइज तो मुझे मिलनी चाहिए लेकिन मुझे कोई क्या देगा तुम आत्माएं हो शांत स्वरूप हो और मैं हूँ शांति का सागर मेरे सिवाय संसार में कोई शांति स्थापित कर ही नहीं सकता मैं ही राजयोग सिखाता हूँ तुम्हें पावन बनाता हूँ बिना पावन बने शांति स्थापित नहीं हो सकती और तुम पावन बन जाते हो तो पति दुनिया का विनाश हो जाता है और फिर ये सारे संसार में शांति शांति हो जाती है। अब मैं आऊं ज्ञान दू तुम्हें तो जरूर मुझे शरीर में आना पड़ेगा मैं तन में आया हूँ मैं तुम्हारा बाप हूं तुम्हें वर्षा देने आया हूं स्वर्ग का मैं हैविनली गॉड फादर हूँ इस धरा पे स्वर्ग रचता हूँ तुम मेरे हकदार बच्चे हो तो तुम ही वर्षा दूंगा ना मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ ज्ञान का सागर हूँ तो टीचर बनकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ बहुत सुंदर बातें हैं तुम जान गए हो सृष्टि के आदि में देवताओं का राज था लक्ष्मी नारायण का राज था राम राज था लोग राम राज की कल्पना तो करते हैं पर वो कैसा था ये किसी को पता नहीं आठ राजा गाई जाती हैं सतयुग की बाबा ने कहा और भी तो राजा होंगी क्योंकि एक सौ आठ राजा रानी सत्यु पर राज करते हैं लेकिन पहले असों के कारण आठ राजाइयों का बहुत गायन है फिर मैं तुम्हें राह दिखाता हूँ तो सदगुरु हूँ तुम्हारा बाबा बहुत मीठी बात प्यार से कह रहे बच्चे मेरे साथ घर चलना है या इस विषय सागर में ही रहना अच्छा लगता है मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ तुम्हें पावन बनाकर ले जाऊँगा तुम्हें तो पुकारते थे पतित पावन आओ हे दुखरता हमें इन दुखों से छुड़ाओ लिबरेट करो हमें मुक्त करो मुक्तिधाम में तो बीच में कोई जा नहीं सकता मैं धाम अनुसार कल्प के अंत में आता हूँ और तुम सब को मुक्त करके अपने साथ अपने धाम में ले जाता हूँ याद दिला रहे बच्चे तुम मेरे ही तो साथ रहते थे देखो हम सब भूल गए भगवान आकर हमें याद दिलाते हैं अब तुम्हें फिर से मेरे साथ ही चलना है अपने धाम मैं आकर तुम्हें सत्य गीता ज्ञान दे रहा हूँ गीता का बड़ा मान है सर्व शास्त्र शिरोमणि कहते हैं उसी में भगवानोवाच है श्रीमद भगवत गीता श्रीमद भगवान का गीत भगवान ने आकर श्रीमत दी तो बाबा कह रहे ये एक ही धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवानो है। और किसी में नहीं किसी धर्म के शास्त्र में नहीं मैं तुम्हें आकर सत्य गीता का ज्ञान दे रहा हूं इस गीता ज्ञान से अब लोग पूछेंगे ये गीता किस धर्म का शास्त्र है तो यह ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र इसके ही द्वारा अर्थात मैं तुम्हें ज्ञान देकर देवी देवता धर्म की स्थापना कर देता हूं तो अब तुम मेरे साथ मददगार हो इस धरती पर देवी देवता धर्म की मैं स्थापना कर रहा हूँ तुम्हें तो मनुष्य देवता बना रहा हूँ अब तुम मेरी मत पर चलो मुझे फॉलो करो बाबा ने बहुत गहरी बातें बताई देखो मुझे फॉलो वही कर सकते हैं पहले जो पावन बनेंगे दूसरा जो मेरे से बहुत प्यार रखते हैं सीधी सी बात है बहुत प्यार होगा भगवान से तो जो कुछ वो कहेगा उसको सिरोधार्य ये करेंगे सहज स्वीकार करेंगे तुम तो मुझसे प्यार करते आए हो अब मेरी आज्ञाओं पर चलो सन्यासियों के भी फॉलोवर्स होते हैं पर एक्चुअली तो वो उनको फॉलो नहीं करते फॉलो करना माना उन्हें भी सन्यास ले लेना चाहिए उन्हें भी वैसे ही पवित्र बनना चाहिए जैसे उनका गुरु सन्यासी है लेकिन मैं तो तुम्हें अपने जैसा बना देता हूं तुम मुझे रूप से फॉलो करते हो जैसा मैं हूं वैसे ही गुण तुम्हारे अंदर भी आ जाते हैं तो तुम्हें देखना है अपने को हम कितना उसको फॉलो करते हैं उसको फॉलो करने का अर्थ है जो श्रीमत्व रोज मूल्यों में दे रहे हैं उनको जीवन में धारण करना ये है उसको फॉलो करना तो उसको फॉलो करते करते हम उसके समान बनते जाएंगे और तब उसके साथ हम घर चलेंगे हमें देखना है कि क्या हमारे मन में संकल्प गहराई से उतर गया है कि हमें शिव बाबा के साथ अब घर चलना है या हमें डर लग रहा है ममता डराती है मन उसके पाप उसको रोकते हैं भारी करते हैं बंधन डालते हैं लेकिन हमें तो पुण्य आत्मा बनकर अब बाबा के साथ चलना है अपने से पूछेंगे बहुत अच्छी तरह पूछेंगे डीपली पूछेंगे क्या सचमुच हम समझ रहे हैं क्या सचमुच हमारे अंदर से आवाज आ रही है कि ये पांच हजार वर्ष का खेल पूरा हुआ है अब बाबा लेने आया है स्वयं भगवान को आना हुआ है हमें ले जाने के लिए तो हम जाने को तैयार हैं कर्मों का हिसाब किताब चुक तो करके सभी बंधनों से मुक्त होकर आत्मा बनकर हम उनके साथ घर चलेंगे दूसरी बात हमें चेक करनी है बाबा विश्व में शांति स्थापित कर रहे हैं हम उनके साथी हैं तो क्या हम भी अपने शांत स्वरूप स्थिति में रहते हैं क्योंकि जितने हम देह से न्यारे रहेंगे हमसे भी चार ओर शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे अनेक मनुष्यों को शांति का अनुभव होगा उनका चित्त भी शांत होगा और इस तरह जब बहुत आत्माएं बाबा की मत पर चलकर शांति के सागर से शांति लेकर चार ओर फैलाएंगे तो संसार में शांति स्थापित होती जाएगी तो हमें देखना है हम पूरे शांत हुए हैं यह छोटी मोटी बात हमें अशांत करती है यदि हमें क्रोध आता होगा हम छोटी छोटी बात में परेशान नाराज होंगे तो हम विश्व में शांति कैसे स्थापित करेंगे वरदान है याद के आधार से माया की कीचड़ से ऊपर रहने वाले चीयरफुल भाव यानी बहुत प्रसन्न चित्त भाव बाबा कह रहे बाबा शब्द में जादू है समस्याएं आती हैं कीचड़ गंदगी है कलयुग में लेकिन अगर दिल से कहोगे मेरा बाबा दिल से एक तो ऐसे ही बाबा ने कह दिया तो हम भी रिपीट कर देते हैं मेरा बाबा लेकिन अपनेपन से कहेंगे तो जो कीचड़ है जो समस्याएं हैं जो परेशानियां हैं वो सब समाप्त होती जाएंगी और हम बहुत प्रसन्न रहने लगेंगे तो हमें अपना आधार बाबा को बनाना है और सदा प्रसन्न चित रहना है स्लोगन है स्लोगन पवित्रता की धारणा को अर्थात पवित्रता हमारा स्वधर्म है इसको धारण करने वाले ही महान आत्मा है तो आज का अभ्यास होगा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ पीसफुल और डीप रियलाइजेशन करेंगे और परम धाम में शांति के सागर से बाबा उनको विजुअलाइज करेंगे उनसे शांति की किरणें मुझको आ रही हैं और फिर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं तो आज अनुभव करेंगे इस अभ्यास से हमारे चारों ओर शांति का वातावरण बनता जा रहा है ओम शांति टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब Subscribe us on youtube.com slash TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.